हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे पीछे खड़ी है मिनी कूपर कंट्रीमैन 2013 मॉडल, और ये पहला मॉडल था मिनी कूपर का जहां पे उन्होंने 5 डोर लॉन्च की थी। उससे पहले 2 डोर में आती थी, तो यहां पे थोड़े से डायमेंशंस बढ़ा दिए गए थे। और बाकी मेरे पीछे ये जो कार खड़ी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, एक बार कैमरा स्विच करके, ये है। और देख लो कितना सही कलर लग रहा है इसका, थोड़ा सा ग्रीन शेड लिए हुए है। और ये इसका बैच है मिनी कूपर का, और ये बैच मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो ये देख लो आप साइड से कैसी दिख रही है। ये साइड प्रोफाइल है इसकी, एंड मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ। तो ये इसकी बैक प्रोफाइल है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी कार लगती है ये। और आगे पीछे दोनों साइड में इसकी लोगो दिया हुआ है मिनी कूपर का, ये राउंड सा लोगो होता है, बीच में मिनी लिखा होता है, और ये विंग्स बने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, कलर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर आप लखनऊ से और इसको परचेस करना चाहते हो, तो आपका अंसल के पास में आपका रेयर कार खुला हुआ है, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो पहले ले चलते हैं कार की तरफ। तो सबसे पहले इसके इंजन से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इंजन ओपन करने के लिए हैंडल खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, हैंडल खोलने के लिए यहाँ पीछे यहाँ पे लीवर लगा होता है, इसको ऐसे दबाना पड़ता है। जैसे आप इसको दबाओगे, ये हैंडल खुल जाएगा और ये डोर ओपन हो जाएगा। और काफ़ी प्यारा सा डोर है, आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा भारी है। एक बार थ्रेड सुना देता हूँ मैं, तो देखो काफ़ी ज़्यादा भारी सा डोर है, काफ़ी सेफ्टी वाला फील आता है। एंड यहाँ पे पैसेंजर साइड पे यहाँ पे आपका बोनेट खोलने का ढक्कन है, तो ये देखो आवाज़ आई आपकी, बोनेट ओपन हो चुका है। एंड ले चलते हैं इसको एक बार, तो ये रहा आपका बोनेट। एंड यहाँ पे एक छोटा सा लीवर होता है, उसको आप ऊपर करोगे तो ये बोनेट आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कुछ साइड में कुछ लगाने के लिए नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोलिक से ये अपने आप ऊपर हो जाता है, अपने आप रुक जाता है। आपको साइड में कुछ भी ऐसा, जैसे नॉर्मल कार्स में आता है ना एंटीने जैसा होता है, लगा दो रुक जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है 1998 cc का इंजन, यानी ऑलमोस्ट 2000 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपका डीजल पावर्ड इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। तो पावर फिगर की अगर बात कर लो, तो 184 bhp की पावर जनरेट करता है, 270 Nm का टॉर्क, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। और आप देख लो, काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा लगता है, कहीं भी आपको स्पेस ऐसा नहीं दिखेगा, लगेगा कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह फिट की गई हैं। सारा जो स्पेस है काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज किया गया है, ताकि इसका बड़ा सा इंजन इसके छोटे से बोनेट के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो एक बार इसको बंद कर ले, और ये आपका बोनेट बंद हो चुका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कार के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ। तो ये आपका हैंडल बार यहाँ पे भी है, इसको ऐसे आप प्रेस करोगे और ये खुल जाएगा। एंड कीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी, तो गाइस काफ़ी स्टाइलिश सी की है, पहली बार मैंने भी देखी। ये देखो आप, ये कुछ कुछ UFO जैसी दिखती है, और की जैसी नहीं दिखती है एक्चुअल। अगर मैं किसी को दे दूँ तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये कीज़ है। और यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पे भी मिनी कूपर का जो लोगो होता है ये लगा हुआ है, बट अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है। 3 बटन्स मिलते हैं इसमें, एक ये पीछे की डिक्की ओपन करने के लिए, एक ये कार को अनलॉक करने के लिए, और कार को लॉक करने के लिए। तो बाकी अंदर ले चलता हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा पीछे की जाए सीट। तो भाई यहाँ पे देखो, ये है जगह, यहाँ पे आपको लगाना, और ऐसे करके आप ऐसे लगा दोगे, और ये लग चुकी है कीज। तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश से की है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आप देखो यहाँ पे की भी दे रखी है, इनकेस अगर आप भूल जाओ तो। बट नॉर्मल ये जो होता है, ये आपका मैग्नेटिक कीज़ है, इसको कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके एक बार प्रेस करना है, और ये की लग चुकी है। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है, इसको आप अगर प्रेस करे रहोगे एक बार, तो अपने आप जो कार है वो स्टार्ट हो जाती है। और देख लो कार स्टार्ट होने के बाद कॉकपिट कैसा लग रहा है कार का, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। ये आपका इसका स्टेयरिंग दे रखा है, और अगर मैं स्टेयरिंग में नीचे की तरफ जाके देखूं, तो भाई ये देखो, ये इसमें दे रखा है, तो ये ऊपर और ये नीचे हो सकता है, और आगे पीछे भी हो सकता है। तो जो इसका हैंडल है वो आगे पीछे की तरफ और ऊपर नीचे दो साइड में आपका एडजस्ट हो सकता है, और बाकी इसी को आप वापस करके ऐसे टाइटन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे हुए हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, तो यहाँ पे प्ले करने के लिए जो भी इसका जो मीटर है, जो भी इसमें मल्टीमीडिया है, उसको प्ले करने के बटन दे रखे हैं। यहाँ पे कॉल रिसीव करने के लिए बटन दे रखा है, और ये वॉइस कमांड के लिए दे रखा है। इसके अलावा प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए, एंड ये साइड करने के लिए, जो भी अगर आपको
सॉन्ग्स हैं उसको घटाना बढ़ाना है या फिर आपको नेक्स्ट करना है, प्ले करना है, तो उसके लिए बटन दे रखा है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिख जाता है, तो हाँ यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्रूज कंट्रोल का ये बढ़ाने घटाने के लिए और रिसेट करने के लिए बटन दे रखा है। यहाँ पे बीच में हॉर्न है और ये देख लो काफ़ी प्यारा सा हॉर्न है और काफ़ी ज़्यादा सही दिखता है यार ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। और जाहिर सी बात है काफ़ी महंगी कार है तो प्रीमियम दिखना भी चाहिए इसको। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी मिल जाएंगे दोनों तरफ, फुली ऑटोमेटिक कार है तो पैडल शिफ्टर यहाँ पे दे रखे हैं, स्पोर्ट्स मोड में आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा एनालॉग मीटर मिल जाता है जिसमें यहाँ पे छोटा सा एक डिजिटल स्क्रीन भी लगी हुई है और यहाँ पे आपको RPM जो होता है वो देखने को मिल जाता है। और नीचे यहाँ पे कितना कार चल चुकी है तो 79,575 किलोमीटर चल चुकी है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे नॉब दे रखी है, इसको थ्रू आप रियर हो गया या फिर फ्रंट का वाइपर हो गया उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो इससे आपका वाइपर कंट्रोल होता है। और वहीं पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो यहाँ पे आपका जो भी इंडिकेटर्स हो गए या फिर लाइट हो गई उन सबको कंट्रोल करने के लिए हो जाएगा। अगर आपको इंडिकेटर देना है राइट का या फिर लेफ्ट का तो उससे कर सकते हो। इसके अलावा लाइट को जो है अगर आपको ऑन करनी है ऑफ करनी है जो मेन हेडलाइट है तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा आपका वोक्सवैगन की कार्स में होता है या फिर जो भी जर्मन कार है उसमें आपका होता है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो लाइटनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है लाइट्स को, और राइट हैंड साइड में आपका जो वाइपर है उसको कंट्रोल करने का बटन दे रखा है। यहाँ पे ये आपके AC वेंट्स दे रखे हैं और इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा सही दिखते हैं यार, ये थोड़ा राउंड शेप में इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें जो बीच में नॉब है इसको आप घटा बढ़ा सकते हो फ्लो के लिए एयर का, तो यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल होती है और इससे एयर फ्लो आपको बंद करना है या फिर बढ़ाना है तो वो कंट्रोल हो जाती है। 4 AC वेंट दे रखे हैं, एक यहाँ पे फ्रंट में दे रखा है, एक और ये दो बीच में दे रखे हैं और एक लास्ट में उस साइड भी दे रखा है। तो इन चारों में ही ये सेम सिस्टम है कि आप इसको भाई ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन उसका देख सकते हो और यहाँ से आप इसको धीरे करके या तेज करके जो भी आपका फैन की स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। बीच में काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे एक स्क्रीन दे रखी है डैशबोर्ड में जिसके थ्रू आपकी जो मल्टीमीडिया और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आप नेविगेट कर सकते हो। यहाँ ऊपर की तरफ ये हजार्ड लाइट का बटन दे रखा है, इसे हजार्ड लाइट आप कार की कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं जिनके थ्रू आप मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हो, AC कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टार्ट से करते हैं सबसे पहले, तो ये आपका AC है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे ऑटो हो गया और एयर सर्कुलेशन हो गया, मैक्स हो गया और ये फ्लो ऊपर की तरफ आना चाहिए फ्रंट में या नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ से फैन की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो और यहाँ से अगर आपको AC को बढ़ाना है या फिर घटाना है मैन्युअली तो वो कर सकते हो। नीचे की तरफ कुछ बटन दे रखे हैं उन्होंने, तो यहाँ पे ये एक बटन जो है ये काफ़ी अच्छा है स्पोर्ट्स मोड में, तो वैसे तो ऑटोमेटिक कार है तो नॉर्मल मोड में आपकी अच्छी खासी पावर जनरेट करती है, अगर आपको एक पंच चाहिए चलाते समय थोड़े से और ज़्यादा मज़े लेने तो इससे आप ऐसे करके इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दोगे तो आपकी कार की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन दे रखे हैं, तो ये जो नॉब है इसको ऐसे घुमा के आप जो स्क्रीन है ये देख लो, तो इस पर ऐसे करके स्क्रीन पे चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बटन्स उसको सेलेक्ट करने के लिए हुए हैं, ये आपका गियर लीवर है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पार्किंग हो गया, उसके बाद रिवर्स हो गया, ड्राइव मोड हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ये चार चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने। यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं तो उसमें आप कप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, पर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये इसका हैंड ब्रेक है और इसमें नीचे की तरफ ये बटन दे रखा है, इसको देखो आप, ये आपका नीचे चला गया और इसको ऐसे आप कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे हेडरेस्ट है और इसमें एक बटन दे रखा है, इसके थ्रू ये हेडरेस्ट खुल जाता है आपका, बाकी इसको ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर दे रखा हुआ है, तो भाई यहाँ पे देखो ये आपका सनग्लास होल्डर दे रखा है, ये भी आपका मिनी कूपर की तरफ से दे रखा है, इसमें आपने सनग्लासेस रख सकते हो हैंडरेस्ट के नीचे में। बाकी ये आपकी सीट्स हैं और सीट्स को आगे पीछे करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मैनुअल है और जैसा आजकल की कार्स में आता है ये मैनुअली इसको आगे पीछे कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी एक दे रखा हुआ है, इसके थ्रू आप कार की सीट को ऊपर कर सकते हो और ऐसे करके ये इसको नीचे की तरफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे साइड में दे रखा है जिससे आप सीट को पीछे की तरफ और आगे की तरफ कर सकते हो। तो ये नॉर्मल जो आजकल की कार्स में ऐसा कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम नहीं दे रखा है कार की सीट को एडजस्ट करने का सारा काम आपका पूरी तरह मैनुअली हो रखा है। इसके अलावा ऊपर की तरफ भी कुछ बटन दे रखे हैं, ये आपका
रियर व्यू मिरर है, तो देख लो आप। और काफ़ी सही है यार, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। यहाँ कुछ बटन दे रखे हैं, जैसे ये यहाँ की लाइट के लिए है, इसको ऑफ कर सकते हो, ये इस तरफ की लाइट के लिए इसको ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा ये आपका एक बटन दे रखा है, इससे आपकी जो पीछे की लाइट है, ये जो बीच वाली है, ये जल जाएगी, और इसी बटन से पीछे की लाइट जो है ये आपकी ऑफ हो जाएगी। तो साथ में यहाँ पे जो इसका सनरूफ दे रखा है ना भाई, सनरूफ बोल दो या मून रूफ बोल दो, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पीछे की तरफ भी है आगे की तरफ भी है, तो ये दोनों पार्ट्स में है। और इसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये सनरूफ वाला बटन दे रखा है, तो इसके थ्रू ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सनशेड दे रखा है, तो ये ड्राइवर साइड का सनशेड है, और जैसे इसको ओपन करते हो ये दो लाइट्स हैं ये जल जाती हैं, बाकी इसको क्लोज करोगे ऐसे करके तो लाइट अपने आप बुझ जाएंगी। यहाँ पे हैंडल दे रखा है ड्राइविंग साइड में भी, तो ये चीज़ है, नॉर्मली ड्राइवर साइड में ऐसे कोई हैंडल नहीं होता पकड़ने के लिए, बट यहाँ ड्राइवर साइड में भी हैंडल दे रखा है, पैसेंजर साइड में भी दे रखा है। और बाकी एक बार डोर पे आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका डोर है, यहाँ पे आपकी ये चारों विंडोज ओपन करने के लिए, तो ये वन क्लिक अप वन क्लिक डाउन है, मतलब आपने ऐसे कर दिया तो ये विंडो नीचे चली जाएगी, देखो पीछे की ये अपने आप जा रही है। एक बार मैंने ऊपर किया और हाथ हटा दिया और अपने आप ऊपर जा रहा है, तो वन टच डाउन एंड वन टच अप है, और चारों ही विंडोज जो है पावर विंडोज और चारों में ही ये फंक्शन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे ये डोर हैंडल है, देखो ये ओपन करने के लिए गोल सा दे रखा है, काफी सही है। और इसके जो स्पीकर्स है ना भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा सही है, हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं। एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि हरमन कार्डन के जो स्पीकर्स हैं ये कैसे चलते हैं। तो एक बार मीडिया में ऑन कर देता हूँ, तो भाई ये कर दिया, तो देखो ये ऑन कर दिया मैंने, तो भाई देख लो बहुत ही, मतलब बहुत ही बेसी स्पीकर्स है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, जाहिर सी बात है हरमन कार्डन के हैं तो क्वालिटी अच्छी होने वाली है। और एक बार मैं इसकी जो चाबी है इसको निकाल लेता हूँ, तो जैसे ही आप इसकी चाबी को ना, मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, मतलब अगर आपकी कार ऑन भी हो रखी है, जैसे मैंने देखो ये कर रखा है, और एक मिनट चाबी लगा देता हूँ, और देखो ये मैंने दबाया और ये कार आपकी स्टार्ट हो गई है। आपको सिर्फ क्या करना है, की को ऐसे प्रेस करना है और ये कार आपकी ऑफ हो गई, एंड की इसको आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन हो रखा है। बाकी यहाँ पे आप पूरा देख लो, ये थोड़ा सा लेदर टच टाइप का दे रखा है, सॉफ्ट मटेरियल एंड स्टिचिंग दे रखी है। यहाँ पे आपका हार्ड मटेरियल दे रखा है, यहाँ पे भी थोड़ा हार्ड मटेरियल है, बट ये थोड़ा सा लेदर शेप में दे रखा है, ऐसा लेदर नहीं है, है ये आपका प्लास्टिक ही, बट जो टेक्सचर है वो लेदर जैसे दे रखे हैं। इसके अलावा जो आपका आगे का डैशबोर्ड है ये भी सेम हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, बट हाँ जो टेक्सचर है वो ऐसा लगता है कि हाँ ये लेदर फिनिश में है, बट ये लेदर फिनिश में है नहीं, ये आपका हार्ड प्लास्टिक सारे जगह मिल रखा है। तो भाई अब आपको ले चलते हैं को पैसेंजर साइड में, तो भाई देख लो ये को पैसेंजर साइड है और मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे भी सेम लेदर सीट दे रखी है, बाकी जो एसी के वेंट्स दे रखे थे वो साइड भी दे रखे हुए हैं, यहाँ पे आपका ग्लोव बॉक्स दे रखा है, और यहाँ पे सिर्फ एक है जिससे आप अपनी विंडो को ओपन क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दे रखा हुआ है, सेम स्पीकर्स एंड ट्विटर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं। पीछे की तरफ अगर मैं आपको ले चलता हूँ, तो भाई देख लो कितना स्पेस है पीछे, सीट्स मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, और बाकी यहाँ पे तीन लोग बैठ सकते हैं, और देख लो ये फ्रंट से कैसा दिख रहा है, ये लाइट जल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है यार, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुकिंग फील आती है यहाँ पे बैठ के अंदर कॉकपिट में, और कार बहुत ही ज़्यादा क्लासिक दिखती है, स्पेशली ये जो सारी चीज़ें राउंड राउंड शेप में दे रखी है ना, एसी वेंट्स राउंड दे रखे हैं, आपका जो डैशबोर्ड में मल्टीमीडिया है ये पूरा जो स्क्रीन है राउंड दे रखी है, बाकी स्टेयरिंग तो राउंड होता है, उसके अलावा स्टेयरिंग के सामने जो मीटर कंसोल दे रखा है वो भी आपका राउंड शेप में दे रखा है, तो वो सारी है। बाकी यहाँ पे देखो ये आपका हैंडल बार है, यहाँ पे कुछ ये हरमन कार्डन के जैसे मैंने बताया था स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये आपका ओपन करने के लिए दे रखा है, काफ़ी स्मूथ काम करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पीछे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो भाई यहाँ पे देखो ये डिक्की है, और ये जो इसका मिनी का लोगो दे रखा है ना, इसी को आप ऐसे दबाओगे ऊपर की तरफ तो ये आपका जो डिक्की है ये खुल जाएगी, और यहाँ पे 350 लीटर का बूट स्पेस दे रखा है, थोड़ा बहुत सामान ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, तो देखो ये है, बाकी ऐसे आप देख लो, तो ये भी आपका प्रॉपर प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, बट सेम टेक्सचर वैसा दे रखा है जैसे लेदर फिनिश में हो, बट ये है आपका हार्ड प्लास्टिक।
बाकी इसको बंद कर देता हूँ। पीछे की तरफ आप देख पाओ तो यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर आपको दे रखे हुए हैं, और यहाँ नीचे एग्जॉस्ट नोड है, एंड यहाँ पे पीछे की तरफ भी वाइपर दे रखा है। और अगर आगे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई पार्किंग सेंसर नहीं दे रखा हुआ है, आप देख लो ऐसा कोई पार्किंग सेंसर नहीं है। बाकी चारों ही टायर्स आपके एलॉय व्हील के साथ में आते हैं, 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, और आप देख लो 225/50 R18, तो 225/50 आपके सेगमेंट के टायर्स दे रखे हैं, और गुडियर के टायर पड़े हुए हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे 18 इंच के ही एलॉय दे रखे हैं, एंड यहाँ पे अगर मैं आप टायर सेगमेंट दिखाऊँ तो ये भी आपका 225/50 है, 45 है, तो आगे 225/50 थे, पीछे 225/45 है, तो आगे के टायर्स जो है थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं। मोटे किस तरह से, कि इस तरह से आपका जो मतलब टायर की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है आगे वाले की, पीछे वाले की थोड़ी सी कम है, बट उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो ये था, बाकी एक बार चला के देखते हैं यार कैसा फील आता है। बाकी ब्रेक दबा दिया और ये स्टार्ट हो चुकी कार, तो आप देख लो कैसी आवाज़ आ रही है, और ये मीटर कंसोल है इसका। बाकी अभी देखो पार्किंग पे लगी हुई है, बाकी जैसा आपको पता है ऑटोमेटिक है, तो भाई क्लच का कोई काम नहीं है, एंड इसको मैं कर देता हूँ ऐसे ड्राइव मोड पे, ड्राइव मोड पे आ चुका है, और जैसे ही ब्रेक हटाऊंगा धीरे धीरे चलनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये स्टार्ट हो चुकी है। और भाई इनिशियल तो काफ़ी अच्छा है यार कार का, और जैसा कि आपको पता है डीजल इंजन है, थोड़ा सा नॉइजी इंजन है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं बोल सकता मैं, बट स्टिल आपका जो इंजन है वो काफ़ी सही है इतनी पुरानी कार के हिसाब से भी। और यहाँ पर रोड्स भी थोड़ी ख़राब हैं, सस्पेंशन अच्छे काम कर रहे हैं, और ले चलता हूँ मैं इसको एक बार यहाँ पे, थोड़ा सा रेप दिया जाए, और भाई पुल तो काफ़ी अच्छा है, पुल काफ़ी अच्छा है कार का। और जैसा कि आपको पता है कि यार टॉर्की कार है आपकी, डीजल इंजन के साथ में आती है। बाकी यहाँ से एक बार मोड़ लेते हैं, तो देखो ये गलती हो गई आपकी, क्योंकि नॉर्मली जो कार मैं चलाता हूँ i20, उसमें आपका राइट हैंड साइड में आपका मतलब लाइट्स का कंट्रोल होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो वाइपर होता है उसका कंट्रोल होता है, बट यहाँ पे उल्टा दे रखा है, जैसे जर्मन कार्स में होता है आपका वोक्सवैगन की कार हो गई या फिर मर्सिडीज हो गई, कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो होता है यहाँ पे वो आपका लाइट कंट्रोल है, और राइट हैंड साइड में वाइपर का कंट्रोल है। बाकी चलाने में यार कार काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है, देखो मेरी हाइट 6'2" है, और मेरे हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कार, ऐसा नहीं है जैसे मिनी कूपर लोग बोलते हैं ना कि काफ़ी छोटी कार है, देखो अभी हम लोग तीन लोग बैठे हैं, पीछे की तरफ भी बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है इन्होंने कार में, और 5 लोग इजीली इसमें बैठ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलाने में भी भाई देखो जैसे इसका टर्बो किक इन करता है ना, वैसे अपने आप को बहुत अच्छी तरह ये बहुत ही अच्छी तरह पुल करती है। बाकी ले चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो चुका है। तो भाई दुनिया घूम के वहीं आ गया जहां पे हमने स्टार्ट हुए थे, और अब इसको कर देते हैं वापस से पार्किंग की तरफ, और इंजन को बंद कर देते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ओवरऑल जो आपकी मिनी कूपर है ये आपको कैसी लगी, एक बार कैमरा घुमा दूं मैं, आप लोग मुझे बताइएगा मिनी कूपर आपको कैसी लगी। यार चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाई लुक्स बहुत लाजवाब है, आप छोटी सी कार है अच्छी खासी पावर जनरेट करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। और अभी आपको अगर ये परचेस करनी है तो लखनऊ में रेयर कार्स है, सामने लिखा भी हुआ है, गोल्ड सिटी के पास में अगर आप आओगे अंसल सिटी के पास में तो वहाँ पे आपको रेयर कार मिल जाएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट आपको पिन कर दूंगा। तो आस्किंग डिमांड जो इसकी अभी है वो आपकी under 20 lakh rupees है, बाकी निगोशिएबल है, आप लोग अगर आके विजिट करोगे इसकी टेस्ट राइड आपको मिल जाएगी, उसके साथ अपने हिसाब से निगोशिएट कर सकते हो, मेरे चैनल के थ्रू जाओगे तो मैट भी थोड़ा बहुत आपको कंसेशन और मिल जाए। इसी के साथ ब्लॉग इन करते हैं, बाकी फर्स्ट कार का रिव्यू था मेरा, धीरे धीरे कार्स के भी रिव्यू करने स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ। उसी के साथ राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज राम सुल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।